अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सो आई एम हेयर विद एन अदर वीडियो जिसमें मैंने आपको बताना है कि हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि SEO आर्टिकल कैसे लिखते हैं, SEO आर्टिकल की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसमें कीवर्ड्स कैसे लगाते हैं, कीवर्ड की डेंसिटी क्या होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। अब हमने देखना है कि क्या जो हमने SEO आर्टिकल लिखा है वो SEO की रिक्वायरमेंट्स पे पूरा भी उतर है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसको चेक कैसे करना है, क्या उसके लिए कोई टूल है या हमने मैनुअली चेक करना है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द मैटर्स, ऑल द थिंग्स जो आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक टूल होता है, वो प्लगइन भी है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, होता है योस्ट के नाम से। SEO के लिए रैंक मैथ प्लगइन भी है, बट योस्ट का जो प्लगइन है आप उससे ऑफलाइन भी चेकिंग कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगी कि योस्ट का ऑफलाइन जो टूल है वो कैसे आपने चेक करना है, उसमें आपने किस पोर्शन पे जाना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो रही तो उसको कैसे कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद आप अपने आर्टिकल की रीडेबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो, उसका स्कोर कैसे हाई कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द लैपटॉप स्क्रीन। सो हेयर वी आर ऑन द स्क्रीन, जिसमें मैंने आपको बताना है कि योस्ट कैसे चेक करना है, टूल है या कोई प्लगइन है वो कैसे काम करता है, आपने उसको सर्च कैसे करना है, उसको निकालना कैसे। सबसे पहले आप गूगल पे लिखेंगे रियल टाइम कंटेंट एनालिसिस विद योस्ट। आप ये लिखेंगे, आपके पास फर्स्ट लिंक में ही योस्ट का ऑनलाइन चेकिंग टूल आ जाएगा। वैसे ये प्लगइन है, वेबसाइट वर्डप्रेस से इंटीग्रेटेड हो तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है और क्लाइंट ने आपसे रिपोर्ट मांग ली है, योस्ट रिपोर्ट भी दें, तब आपने इसको कैसे चेक करना है। आपने अपना डॉक्यूमेंट खोल लेने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने चेक करने हैं उसकी कॉपी पेस्टिंग करनी है, जस्ट लाइक एनी प्लेजरिज्म टूल और ग्रामर चेकिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था अपना कंटेंट कॉपी करके ले आए और उसको पेस्ट कर दें जहाँ पे भी चेक करना है, सेम इसी तरह हमने करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने डॉक्यूमेंट कोई अपना खोल लेती हूँ, उसका हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं और देखते हैं उसकी क्या रिपोर्ट आती है। क्या करेंगे हम, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और वापस जाएंगे जहाँ पे हमने चेक करना है, उसको पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगाएगा और इसकी रिपोर्ट हमें दे देगा। उसके सारे पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, इसका स्कोर कितना है, हमने क्या चेक करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे वो आपको पूछेगा कि आपका फोकस्ड कीवर्ड कौन सा है, यहाँ पे लिखना लाजमी है। क्यों लिखना लाजमी है, अब सारी बात है, ये ऑनलाइन चेकिंग टूल है, इसको हम बताएंगे कि फोकस्ड कीवर्ड कौन सा है, तभी वो उसकी SEO रिपोर्ट जनरेट करेगा ना, तभी टूल उसको चेक कर पाएगा कि क्या फोकस्ड कीवर्ड को फर्स्ट 100 वर्ड्स में यूज़ किया है, क्या इसको टाइटल में यूज़ किया है, तभी उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी। सो हमने यहाँ पे बताना है कि हमारा मेन कीवर्ड कौन सा है। आपको पता होगा जब क्लाइंट ने आपको दिया, इस आर्टिकल के लिए हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारा मेन कीवर्ड कौन सा है। भाई हमारा मेन कीवर्ड है कास्ट जूम मीटिंग ऑन टीवी, ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, ये हम टूल को बता देते हैं ये हमारा मेन कीवर्ड है या फोकस्ड कीवर्ड है। अच्छा, बाकी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, ये स्निपेट प्रीव्यू भी आ रहा है कि आपके डिस्क्रिप्शन और जो मेटा टाइटल है वो कैसे देखेंगे, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। आपने चेकिंग के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है तो उसको कर लें, बट हमारा मकसद यहाँ पे कंटेंट असेसमेंट चेक करना है, रीडेबिलिटी चेक करना है कि हमने जो कंटेंट लिखा है उसका स्कोर कितना आ रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करें, कुछ नहीं यहाँ से देखना, कंटेंट असेसमेंट ये चेक करना है आप, ठीक है, ये रिपोर्ट आपने चेक करनी है। इसमें मैं आपको हर पॉइंट डिटेल से बता देती हूँ किस पॉइंट का क्या मकसद है, और अगर उसको हमने करेक्ट करना है तो कैसे करना है, और अगर करेक्ट नहीं करना तो क्या कंडीशंस देखनी है। सबसे पहले तो ये आपका जो आर्टिकल है उसकी टोटल रिपोर्ट है 69, उसका स्कोर है। जो टेक्निकल कंटेंट होते हैं उनका स्कोर 50 तक भी हो जाए तो बहुत होता है, क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, सॉफ्टवेयर्स या IT से रेलिवेंट अगर कोई हो। अगर आपका नॉन टेक्निकल कंटेंट है, लाइक हेल्थ, ब्यूटी, नीच या कोई और भी ट्रैवल ब्लॉग्स हो सकते हैं या सिंपल हाउ टू गाइड्स हैं, तो आपका स्कोर 70+ या 60+ होता है। ये मेरा जो आर्टिकल है, दिस इज़ अ लिटिल बिट टेक्निकल, आप इसको देख सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई है, हमने जूम मीटिंग को टीवी के साथ कास्ट कैसे करना है उसके बारे में हमने अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बात की है। तो अब
उसकी रिपोर्ट क्लाइंट योस्ट ने दी है 69. दिस इज़ गुड, बट इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताती हूँ. कॉन्टेंट असेसमेंट में जब भी आपके पास रिपोर्ट आएगी, इसमें से कुछ पॉइंट्स रेड होंगे, कुछ ग्रीन होंगे, कुछ येलो होंगे. अब रेड, ग्रीन और येलो का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ. अपने नोट पैड पे चले जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ. सो यू हैव एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर एट योर एंड. तीन इसमें हमारे पास आ रहे होते हैं ऑप्शन. एक रेड होता है, एक ऑरेंज होता है और एक होते हैं ऑरेंज या येलो, आप उसको जो भी कंसिडर कर लें, येलो ऑरेंज टाइप होता है, और एक होता है ग्रीन. अब रेड का क्या मतलब होता है? रेड का मतलब है कि यू आर इन डेंजर जोन, यू आर रिक्वेस्टेड टू करेक्ट इट. ठीक है, आपने उसको ठीक करना होता है जो रेड में हो. जो येलो है उसका मतलब होता है कि यू आर पास्ट बट यू कैन इम्प्रूव इट. पे जल्दी मैं लिख रही हूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करिए. येलो का मतलब है कि आप पास हो गए हैं, बट आप अगर इसको इम्प्रूव कर लें तो बेहतर हो जाएगा, अगर ना इम्प्रूव करें तो कोई मसला नहीं है. ग्रीन का मतलब होता है गुड टू गो, थम्स अप. ठीक है, अच्छा जी, वापस आते हैं हम अपनी रिपोर्ट की तरफ. अब हमारा एक पॉइंट रेड है, उस रेड में वो क्या कह रहे हैं? 11% ट्रांजिशन वर्ड्स आपने यूज किए हैं, जो कि कम है. योस्ट क्या रिकमेंड करता है? योस्ट कहता है कि 30% ट्रांजिशन वर्ड्स होने चाहिए. हमने कम यूज किए हैं इसलिए उसने उसको रेड कर दिया. अब हमने इसको क्या करना है? हर हाल तक 30% तक लेके जाना है. उससे क्या होगा, जैसे ही आपके रेड पॉइंट्स ग्रीन होते जाएंगे, आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा. ये टोटली डिपेंड करता है ना सारे पॉइंट्स पे. तो अगर हम इस पॉइंट को भी अपने को ग्रीन कर लेंगे तो हमारी कॉपी स्कोर भी बेहतर हो सकता है. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं. ट्रांजिशन वर्ड्स का मैं आपको बता देती हूँ. ट्रांजिशन वर्ड्स वो होते हैं जो हमने किसी भी कॉज एंड इफेक्ट को या कोई एडिशनल सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने अपने कंटेंट में कोई लफ्ज़ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स. कॉज एंड इफेक्ट के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, या फिर एडिशनल सपोर्ट आपने देने. कोई एडिशनल सपोर्ट, ठीक है. कैसे, इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? हेंस, बिकॉज, सिंस, देन, व्हाइल, सो, देयरफॉर, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो ये देखिए कॉज एंड इफेक्ट पैदा कर रहे हैं ना. बिकॉज, इफ, बट, कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हैं. एडिशनल सपोर्ट हम उनको कैसे देते हैं? एडिशनल हम कहते हैं ऑल्सो, फर्दर. एडिशनल सपोर्ट दे रहे होते हैं ना अपने सेंटेंस को. इस तरह के लफ्ज़ अगर हम अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ कर लेते हैं तो वो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं. मैंने 11% यूज़ किए हुए हैं, कम यूज़ किए हैं, इसलिए योस्ट इस चीज़ का एरर दे रहा है कि आप इसको इम्प्रूव करके 30 तक ले जाएं, आपके जो कॉन्टेंट असेसमेंट रिपोर्ट है या जो आपका ओवरऑल स्कोर है वो ठीक हो जाएगा. आप अपने सेंटेंसेस को देख सकते हैं, जहाँ पे फिजिबल है आपने वहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड्स जो बेस्ट फिट हों वो यूज़ करने हैं. ऐसे ही बिला वजह कहीं पे भी हैंस और सिंस नहीं लगा देना. सेंटेंस को पढ़ के देखने, जहाँ पे उसकी सेंस बनती है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. जिस भी एरर को ठीक करना हो, उसके सामने एक आई स्पॉट बना हुआ है, आपने उस पर क्लिक करना है. योस्ट आपको यहाँ पे ले गया है, वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि शायद इस सेंटेंस में आपका ट्रांजिशन वर्ड यूज़ हो जाए, आप करके देखें. ठीक है, आप तो जैसे ही आप 30% तक जाएंगे आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. एक दो सेंटेंसेस में मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी आप टाइम कंजम्पशन से बचने के लिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँगी, आप इसको खुद प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं. अच्छा जी, ये सेंटेंस है, व्हेन इट कम्स टू कास्टिंग जूम मीटिंग टीवी यू हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस वायर्ड और वायरलेस.
कि आपने अगर अपने जूम मीटिंग को टीवी के साथ कास्ट करना हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कोई वायर यूज़ कर लें या कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी या कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे आप देख लें क्या है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बिगर व्यू लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कर लें सिंस कर लेते हैं, क्योंकि हम ऊपर इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस बता चुके हैं अपने सॉफ्टवेयर की। ठीक है, ये ट्रांजिशन वर्ड यूज़ हो गया। इस तरह सेंटेंस को पढ़ के देख लें, जहाँ उसकी सेंस बनती है आप उसको वहाँ पर यूज़ करेंगे। अब कहीं पर भी हम बट बिकॉज तो नहीं लगा सकते ना, सेंटेंसेस को पढ़ के देखें। When you cannot meet your co-workers face-to-face, video conferencing tool can help you. Additionally, आप यहाँ पे कर लें, ठीक है, ये लगा सकते हैं। Furthermore, it is possible to install a standalone app for devices. Furthermore, यहाँ पे आ सकते हैं। इस तरह आपने multiple transition words use करने हैं और आपका score automatically increase होता जाएगा जब भी आप ज़्यादा सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि आपकी कोई भी सब हेडिंग 300 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब आपके पैराग्राफ्स बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। अगर आपके कोई पैराग्राफ लंबे हो रहे हैं तो आप उनको स्प्लिट कर लें। ये आपने जहन में रखना है कि कोई भी सब हेडिंग या हेडिंग 300 वर्ड्स से ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको स्प्लिट कर लें, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी और ख़ुद हम भी अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हों उस पर लंबे लंबे पैराग्राफ्स हों तो हम उसको नहीं पढ़ते। ये देखें यहाँ पे भी ये बहुत लंबा पैराग्राफ था, उसको हमने स्प्लिट कर लिया, दो छोटे पैराग्राफ्स में कर लिया, तो लुक एंड फील भी अच्छी आ रही है। इसी तरह आपने अपना कोई भी जो सेंटेंस है, जो पैराग्राफ है, उसको 300 वर्ड से ज़्यादा लंबा नहीं करना, अदरवाइज ये आपका पॉइंट रेड हो जाना था। फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं कि आपका पैराग्राफ कोई भी लंबा नहीं है, दैट्स गुड। अच्छा जी, अब क्लाइंट योस्ट की एक और रिकमेंडेशन है, वो ये कि हमने कोई भी सेंटेंस ऐसा यूज़ नहीं करना जो बहुत लेंथी हो। लेंथी से मुराद कि 20 वर्ड से ज़्यादा। अगर कोई सेंटेंस आपका 20 वर्ड से ज़्यादा हो भी रहा है तो कोशिश करें 25% से कम तक ये रेशो रखें, मतलब सिर्फ 25% आपके जो सेंटेंस है वो 20 वर्ड्स तक हों, इससे ज़्यादा ना हो। अगर यहाँ पे आप 30% की लिमिट एक्सीड कर लेते हो, मतलब 20% से ऊपर जाते हो, तो ये पॉइंट आपका रेड हो जाना था। 25% उन्होंने मैक्सिमम कहा है, इससे नीचे नीचे रहना है, तो मैंने सिर्फ 2.5% यूज़ किया, इसलिए मेरा ये पॉइंट ग्रीन है। अगर आप इसे ये लिमिट एक्सीड करते हो 25% की, तो आपका ये पॉइंट रेड हो जाना है। इसलिए योस्ट ऑलरेडी आपको रिकमेंडेशन दे रहा है कि इन चीज़ों से आपने बच के चलना है, तब आपका कॉन्टेंट या उसकी रीडेबिलिटी अच्छी होगी। लास्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं कि आपने पैसिव वॉइस कम यूज़ करने हैं, सिर्फ मैक्सिमम जो है वो 10% तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी लिमिट एक्सीड करेंगे तो आपका कंटेंट रेड जोन में चला जाएगा। मैंने कितने यूज़ किए हैं, 4.8, दैट्स गुड। अगर मैं 10% की लिमिट को एक्सीड करती, मेरा ये पॉइंट भी रेड हो जाना था। अच्छा, पैसिव वॉइस आप कब बनाते हो, जब स्टूडेंट्स किसी का डाटा कॉपी करते हैं ना, प्लैजरिज्म लेके आते हैं, और प्लैजरिज्म रिमूव करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, जितने एक्टिव वॉइस होते हैं उसको पैसिव वॉइस में यूज़ कर लेते हैं कि हमारा प्लैजरिज्म रिमूव हो जाएगा। प्लैजरिज्म तो रिमूव हो जाते हैं, बट वो जो मज़ा होता है ना कंटेंट का, ओरिजिनलिटी, वो नहीं रहता, स्ट्रक्चर भी ख़राब होता है, और आप अपनी रिपोर्ट की रीडेबिलिटी, रिपोर्ट को ख़राब कर लेते हो। सो आपने ये नहीं करना। एक और टिप दे देती हूँ अपने कॉन्टेंट का स्कोर बढ़ाने के लिए, वो ये कि आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करने। अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, आप उनके कोई अल्टरनेट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, सिनोनिम्स जो बेस्ट फिट हों वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल कि आपने योस्ट कैसे चेक करना था, इस चीज़ की प्रैक्टिस करें बार बार, और फिर देखें आप अपनी योस्ट की रिपोर्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, अगर क्लाइंट को आपने रिपोर्ट भेजनी है तो यहाँ पर रिपोर्ट डाउनलोड नहीं होती। उसका एक तरीका यह है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्लाइंट को भेज दें आपके कॉन्टेंट असेसमेंट, कि आपकी कंटेंट रिपोर्ट अच्छी आ रही है, 69 अच्छा स्कोर है बस, बट इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं, अल्लाह हाफिज़। सो दिस वाज ऑल, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम अपने योस्ट से कंटेंट असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, हमने अपना रीडेबिलिटी स्कोर कैसे चेक करना है, अगर हमारे पॉइंट्स रेड में आ रहे हैं तो उसको ग्रीन कैसे करना है, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना है, ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और हमने इसकी रिपोर्ट अपने क्लाइंट को कैसे भेजनी है, वो आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो, दोनों सूरतों में आपने SEO चेक करनी होती है। हाँ,
ये आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर क्लाइंट आपसे डिमांड करे कि आपने इसका योस्ट चेकअप करना है तो फिर आपने उसका योस्ट एनालिसिस करना है। कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सो आपने सबका चेक नहीं करना। जैसे आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि प्लेजरिज्म और ग्रामरली चेक करना ज़रूरी होता है हर कंटेंट के लिए, बट योस्ट हर के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप अपने ब्लॉग के लिए मटीरियल लिख रहे हो तो उसका आप योस्ट चेक कर लें, खुद चेक कर लें, बट अगर किसी क्लाइंट ने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आपने योस्ट चेक करना है, तो फिर आप उसको वैसे ही आर्टिकल एसईओ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लिख के भेज सकते हैं। उनके पास एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये योस्ट पे काम कर लेते हैं। बट अगर क्लाइंट आपको हाई पे कर रहा है, एक्स्ट्रा बजट दे रहा है कि आपने योस्ट भी लगाना है इस पर, तो आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि योस्ट आपने चेकअप कैसे करना है। सो अब ऑलमोस्ट हमारी जो कंटेंट राइटिंग की टिप्स थी वो कंप्लीट हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं और टिप्स भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जिसमें हम ये भी देखते रहेंगे कि कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, सोशल मीडिया से कैसे लेने हैं, डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस से कैसे लेने हैं, और कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं कि आप हाई टिकट क्लाइंट ले सकते हो। लोगों के जहन में ये डाउट बना हुआ है कि कॉन्टेंट राइटिंग लो पेइंग स्किल है, ऐसा नहीं है। आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे $600 के, $450 के और इवन अप टू $1,000 के प्रोजेक्ट्स कैसे लिए हैं कंटेंट राइटिंग के। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।